हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल गाइड। आज हम करेंगे क्लास 5 ईवीएस पीरियोडिक टेस्ट 2 का सैंपल क्वेश्चन पेपर। बच्चों, ये सैंपल पेपर लेटेस्ट ब्लूप्रिंट के ऊपर बेस्ड है, जो कि है 30+10 मार्क्स। इससे पहले जो क्वेश्चन पेपर पीरियोडिक टेस्ट 1 और 2 का आता था, वो 40 मार्क्स का आता था रिटन पार्ट। अभी इसको बाइफर्केट कर दिया गया है, जिसमें 30 मार्क्स का आपका रिटन पार्ट आएगा और 10 मार्क्स का आपका ओरल पार्ट आएगा। बच्चों, जो रिटन पार्ट है उसमें आपकी तीनों कॉम्पिटेंसी इक्वल वेटेज कैरी करती है, दैट इज 10 मार्क्स ईच, और इस तरह से आपके बन जाते हैं 30 मार्क्स। और जो आपका ओरल पेपर होगा, उनके अलग अलग कॉम्पिटेंसी को अलग अलग वेटेज दिया गया है, जैसे ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग में 4 मार्क्स, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन में 3 मार्क्स, और डिस्कवरी ऑफ फैक्ट में 3 मार्क्स। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। बच्चों, जो आपकी सबसे पहली कॉम्पिटेंसी है, दैट इज ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग, वो 10 मार्क्स की आएगी। इसमें सबसे पहले 1 मार्क्स के 6 क्वेश्चन और 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले दिया है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपको इन पिक्चर्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो इसमें सबसे पहले पूछा है विच प्लेस इज दिस, ये कौन सी जगह है। सो आप पिक्चर में देख सकते हैं, सो इट इज अ पेट्रोल पंप, ये एक पेट्रोल पंप है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू सी इन द गिवन पिक्चर, इस पिक्चर में आप क्या देख पा रहे हैं। सो दिस इज अ हाउस बोट, ये क्या है, एक हाउस बोट है, जो कि आप कश्मीर में डल लेक में भी आप देख सकते हैं। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द हाउस मेड ऑफ स्नो कॉल्ड, यानी कि जो स्नो से बर्फ से जो घर बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, आप पिक्चर में देख सकते हैं। सो दिस हाउस इज कॉल्ड इग्लू, इग्लू बोला जाता है, और ये पोलर रीजन में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नेचुरल कैलेमिटी इज दिस, ये कौन सी प्राकृतिक आपदा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कुछ जो स्टॉर्म्स है वो स्लाइड होके नीचे आ रहे हैं। सो दिस इज लैंडस्लाइड, जिसको हिंदी में भूस्खलन बोला जाता है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर, इस पिक्चर में आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप देख सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड अ स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप बोला जाता है, और ये बेसिकली किस काम आता है, जो डॉक्टर्स हैं वो आपके हार्ट बीट सुनने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर बॉडी के अंदर कोई भी जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसको सुनने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्सनैलिटी, ये जो शख्सियत है इनका क्या नाम है। सो ही इज डॉक्टर बी आर अंबेडकर, और डॉक्टर बी आर अंबेडकर कौन थे, ये हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है उसके ड्राफ्टिंग कमिटी के हेड थे। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 2 मार्क्स कैरी करते हैं, 2 मार्क्स ईच, तो ये टोटल हो जाते हैं 4 मार्क्स, और इससे पहले 1 मार्क्स के 6 क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन कहता है राइट टू नेम्स ऑफ ईच, आपको दो दो नाम देने हैं। सबसे पहले दिया है आउटडोर गेम्स, दो आउटडोर गेम्स के नाम देने हैं। तो आउटडोर गेम्स कौन से होते हैं, जिनको हम घर से बाहर खेलते हैं, जिसको जिसके लिए फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि फुटबॉल, लाइक क्रिकेट या फिर हॉकी। तो ये सभी क्या है, आउटडोर गेम्स है। इसके बाद इंडोर गेम्स क्या होते हैं, जो हम घर के अंदर खेलते हैं, लाइक टेबल टेनिस, चेस, लूडो, कैरम एक्सेट्रा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है राइट एनी 4 यूजेस ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के 4 यूजेस आपको लिखने हैं। सो पेट्रोलियम इज यूज्ड फॉर रनिंग व्हीकल्स, यानी कि वाहन चलाने के लिए पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है, फॉर कुकिंग, खाना बनाने के लिए जिसको आप एलपीजी की फॉर्म में यूज करते हैं, इन पेंट्स, पेंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इन मेकिंग प्लास्टिक, प्लास्टिक बनाने के लिए, इन मेकिंग कैंडल्स एंड इन मेकिंग रोड्स, रोड्स जो बनते हैं उसमें जो आप कोल तार जो डालते हैं, तो वो क्या है, एक पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट है। उसके बाद बच्चों जो आपकी सेकंड कॉम्पिटेंसी है, दैट इज आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, दैट ऑल्सो कैरी 10 मार्क्स, और इसमें आपके 1 मार्क्स के 6 क्वेश्चन और 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा। तो इसमें 1 मार्क्स क्वेश्चन देख लेते हैं, चूज द करेक्ट आंसर टू फिल इन द ब्लैंक्स, आपको फिलअप करने हैं करेक्ट आंसर चूज करके। तो पहला है द एयर फ्रॉम आर माउथ इज, हमारे मुंह से जो एयर ब्लो होती है वो कैसी होती है, सो दैट इज वार्म, वो गर्म होती है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है एक्सेसिव रेन कैन लेड टू, यानी कि बहुत ज्यादा बारिश होने से क्या हो सकता है, फ्लड आ सकता है या फेमाइन आ सकता है। फ्लड का मतलब होता है बाढ़ आना, और फेमाइन का मतलब होता है अकाल पड़ना। तो अकाल जो पड़ता है वो ड्रॉट के कारण, यानी सूखा पड़ने के कारण आता है, तो इसका करेक्ट आंसर है फ्लड। उसके बाद नेक्स्ट दिया है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स, आपको
ट्रू और फॉल्स बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है गांधी जी फोर्ट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, यानी जो गांधी जी है उन्होंने छुआछूत या फिर हम कह सकते हैं अनटचेबिलिटी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, सो दैट इज ट्रू, तो हम टी लिखेंगे। उसके बाद लिखा है पश्मीना शॉल इज एज हॉट एज टू स्वेटर्स, यानी कि जो पश्मीना शॉल होता है वो दो स्वेटर के बराबर गर्म होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि पश्मीना शॉल इज एज हॉट एज सिक्स स्वेटर्स, सिक्स स्वेटर्स के बराबर उसमें गर्मी होती है। तो और पश्मीना शॉल किससे बनता है, पश्मीना गोट के जो फर है उससे बनता है, जिसको चांगपा जो पीपल है वो लद्दाख में चांगथांग रीजन में रियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रेबो, रेबो किसे बोलते हैं। सो रेबो इज अ टेंट हाउस इन विच चांगपाज लिव, जो चांगपा लोग हैं वो जिस टेंट हाउस में रहते हैं दैट इज कॉल्ड रेबो, और वो किसका बना होता है, याक की स्किन का बना होता है। तो इसके अलावा जो लेखा है जहां वो अपने जानवरों को रखते हैं दैट इज कॉल्ड लेखा, तो इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं रखना है। रेबो वो जगह वो टेंट हाउस है जहां पर चांगपा लोग रहते हैं, और जहां वो अपने जानवरों को रखते हैं, अपने याक को रखते हैं, पश्मीना गोट्स को रखते हैं, दैट इज कॉल्ड लेखा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हाट इज एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक क्या है, अर्थक्वेक को हिंदी में क्या बोलते हैं, भूकंप, तो नाम से ही क्लियर है। सो द इंटेंस शेकिंग ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एन अर्थक्वेक, यानी कि जब अर्थ शेक करती है, बहुत ज्यादा शेक करती है, तो दैट इज कॉल्ड अर्थक्वेक। ये किस लिए आता है, प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से आता है, जो आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती है, एक दूसरे से टकराती है, तो उस कारण से भूकंप आते हैं, या फिर वॉल्केनिक इरप्शन के कारण भी अर्थक्वेक आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेड बाय ब्लोइंग एयर थ्रू इट, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के आपको नाम बताने हैं जो एयर ब्लो करके उनको बजाया जाता है, प्ले किया जाता है। सो हॉर्न है, ट्रम्पेट है, फ्लूट है, सैक्सोफोन है, या बैगपाइप्स है, ये सभी जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये किससे, एयर ब्लो करने से जो है प्ले किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ रिफाइनरी, या हम कह सकते हैं व्हाट इज एन ऑयल रिफाइनरी। तो रिफाइनरी क्या होता है, एंड अ रिफाइनरी इज एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस प्लांट, एक इंडस्ट्रियल प्लांट है वेयर पेट्रोलियम इज ट्रांसफॉर्म्ड एंड रिफाइंड इंटू यूजफुल प्रोडक्ट्स, जो जहां पर पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है, अलग अलग उसमें से प्रोडक्ट निकाले जाते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, तो ये सभी जो कहां निकलते हैं, ये रिफाइनरी में निकलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि चार मार्क्स कैरी करता है। तो क्वेश्चन है राइट फ्यू लाइन्स अबाउट चांगपा ट्राइब, चांगपा जो लोग हैं उनके बारे में आपको कुछ लाइन्स लिखनी है। सो चांगपा ट्राइब लिव एट अ हाइट ऑफ 5000 फीट इन चांगथांग रीजन ऑफ लद्दाख, जो चांगपा ट्राइब है 5000 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख के चांगथांग जो क्षेत्र है उसमें रहते हैं। दीज पीपल रियर पश्मीना गोट्स, तो जो ये है पश्मीना गोट्स पालते हैं, और बेसिकली जो चांगपा ट्राइब है ये एक जिप्सी ट्राइब है, या हम कह सकते हैं नोमैड ट्राइब है। सो दे लिव इन अ टेंट कॉल्ड रेबो, और वो टेंट बनाकर रहते हैं जिसको रेबो कहा जाता है, ये हमने पहले भी देखा है। और ये किसकी स्किन के बनता है, ये याक की स्किन का बनता है और बहुत गर्म होता है। उसके बाद आगे दिया है द प्लेस वेयर दे कीप देयर एनिमल्स इज कॉल्ड लेखा, वो जगह जहां पर ये अपने जानवरों को, अपने याक को, अपने गोट्स को रखते हैं दैट इज कॉल्ड लेखा। उसके बाद दिया है द वर्ल्ड फेमस पश्मीना शॉल्स आर मेड फ्रॉम द वुल ऑफ पश्मीना गोट, यानी कि जो गोट ये रियर करते हैं उससे वर्ल्ड फेमस पश्मीना शॉल बनाया जाता है, जिसमें सिक्स स्वेटर्स के बराबर गर्मी होती है। अब बारी आती है बच्चों लास्ट कॉम्पिटेंसी की, दैट इज डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स, जो कि 10 मार्क्स की है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद हॉट और कोल्ड, हॉट और कोल्ड वर्ड यूज करके आपको फिलअप करना है। तो इसमें पहला दिया है डैश एयर इज हैवी एंड कम्स डाउन, यानी कि कौन सी जो एयर है वो हैवी होती है, भारी होती है और नीचे की तरफ आती है, सो जो कोल्ड एयर होती है दैट इज हैवी। उसके बाद नेक्स्ट है डैश एयर इज लाइट एंड राइजेज, कौन सी एयर लाइट होती है, सो जो हॉट या फिर वार्म एयर होती है दैट इज लाइट, और वो ऊपर की तरफ राइज करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है Which is the famous item made by fur of special goats that Changpas rear? तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है, जो चांगपा जो स्पेशल गोट्स को रियर करते हैं तो उसके फर से कौन सा फेमस आइटम बनता है, तो पश्मीना शॉल्स बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है What is seismology? Seismology क्या है, स्टडी ऑफ earthquakes is called seismology, जो earthquake की स्टडी है उसको seismology कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जर्व द फॉलोइंग एंड राइट विच व्हीकल रन्स ऑन फ्यूल एंड विच व्हीकल
रन्स विदाउट फ्यूल, यानी कि आपको नीचे कुछ व्हीकल्स की पिक्चर दी गई है और आपको बताना है कौन सा फ्यूल पे चलता है और कौन सा बिना फ्यूल के चलता है। तो फर्स्ट व्हीकल इज कार, कार जो है पेट्रोल डीजल या फिर सीएनजी से चलाई जाती है, दैट मींस इट रन्स ऑन फ्यूल। उसके बाद सेकंड जो दिया है दैट इज अ बाइसाइकल, और बाइसाइकल जो है वो हमारा मैन पावर का इस्तेमाल करती है, दैट डजंट रिक्वायर एनी फ्यूल, सो इट रन्स विदाउट फ्यूल। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आती है, क्वेश्चन है नेम द नेचुरल डिजास्टर इन विच अर्थ शेक्स, यानी कि उस नेचुरल डिजास्टर का नाम बताना है जिसमें अर्थ जो है हिलती है, कांपती है, सो दैट इज कॉल्ड अर्थक्वेक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू पीपल इन लेह ड्राई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, लेह में लद्दाख में जो लोग हैं वो फलों को और सब्जियों को सुखाते क्यों है। सो टू प्रिजर्व देम फॉर विंटर सीजन पीपल इन ले ड्राई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, विंटर सीजन के लिए प्रिजर्व करने के लिए वो क्या करते हैं उसको ड्राई करते हैं। एक्चुअली जो लेह लद्दाख है वो एक कोल्ड डेजर्ट है और वहां पर जो विंटर सीजन में बर्फ पड़ती है जिसकी वजह से वहां पर कोई भी जो है फसल नहीं उगाई जा सकती है, खेती फार्मिंग नहीं की जा सकती है विंटर में, तो इसीलिए वो क्या करते हैं उनको ड्राई कर लेते हैं और उसको विंटर में बॉइल करके इस्तेमाल करते हैं। सो ये डिहाइड्रेशन एक टेक्निक है जिसमें जो किसी भी फूड आइटम को लंबे समय तक ठीक रखा जा सकता है, तो वो लद्दाख के लोग या लेह के लोग जो है इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। अब बारी आती है लास्ट क्वेश्चन की डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स की, जो कि है 4 मार्क्स का। तो इसमें क्वेश्चन दिया है लोकेट द गिवन स्टेट्स ऑन द मैप, आपको नीचे कुछ स्टेट्स दिए गए हैं ये आपको मैप पे लोकेट करने हैं, मार्क करने हैं। तो पहला जो स्टेट दिया है दैट इज पंजाब, तो पंजाब कहाँ है, सो दिस इज पंजाब। तो आप देख सकते हैं हिमाचल से नीचे की तरफ, जम्मू एंड कश्मीर से नीचे की तरफ जो है और हरियाणा से ऊपर है, दैट इज पंजाब। उसके बाद नेक्स्ट दिया है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र कहाँ है, यू कैन सी हियर गुजरात के नीचे है, मध्य प्रदेश से नीचे है और कर्नाटका से ऊपर है, दैट इज महाराष्ट्र। उसके बाद नेक्स्ट आता है कर्नाटका, तो कर्नाटका महाराष्ट्र से नीचे है और गोवा इसी के बराबर में है, सो यू कैन सी दिस इज कर्नाटका। उसके बाद नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश, इसी के अगर आप ईस्ट की तरफ चलेंगे सो हियर इज आंध्र प्रदेश। तो आपको ये पूरा मैप जो है याद होना चाहिए कौन सा स्टेट कहाँ है और उसकी क्या क्या कैपिटल्स है, यूनियन टेरिटरीज। तो बेसिकली 4th और 5th स्टैंडर्ड में ये कॉमन क्वेश्चंस हैं। उसके बाद बच्चों बारी आती है आपकी ओरल टेस्ट की, जिसमें पहली कॉम्पिटेंसी है ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग, जो कि 4 मार्क्स कैरी करती है। तो इसमें 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज अ कोल्ड डेजर्ट, इनमें से कौन सा प्लेस है जो कि एक कोल्ड डेजर्ट है। तो ऑप्शन है मनाली, देहरादून, लद्दाख या फिर माउंट अबू, तो करेक्ट आंसर इज सी लद्दाख। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया है शॉर्टेज ऑफ फूड एंड वाटर कैन रिजल्ट इन, यानी कि खाने की और पानी की कमी से क्या हो सकता है। सो ऑप्शन ए दिया है सुनामी आ सकती है, फ्लड आ सकते हैं, फेमाइन यानी कि अकाल पड़ सकता है, ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ सकता है, सो सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि अकाल पड़ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है नेम एनी 3 प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से मिलने वाले 3 प्रोडक्ट्स के आपको नाम बताने हैं। सो पेट्रोल डीजल और केरोसिन ऑयल ये सभी जो प्रोडक्ट है, या इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं जैसे आपका वैक्स जो है वो भी आपका, या फिर एलपीजी जो है वो आपका, सभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एवरी पर्सन शुड डू एवरी काइंड ऑफ वर्क, हु सेड दीज वर्ड्स, तो ये वर्ड्स किसने बोले थे कि एवरी पर्सन शुड डू एवरी काइंड ऑफ वर्क, तो ये वर्ड्स थे महात्मा गांधी के, क्योंकि वो अनटचेबिलिटी के खिलाफ लड़े थे इसीलिए उन्होंने ये वर्ड्स बोले थे। अब बारी आती है सेकंड कॉम्पिटेंसी की, दैट इज आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, ओरल में इसका जो वेटेज है दैट इज 3 मार्क्स। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनबीए, तो एनबीए की फुल फॉर्म क्या है, आपने अक्रॉस द वॉल चैप्टर पढ़ा है उसमें ये वर्ड आया है एनबीए, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, नागापाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हु वाज बच्चू खान, बच्चू खान कौन थे, सो बच्चू खान वाज द कोच ऑफ नूर खान, His real name was मुस्तफा खान, यानी कि बच्चू खान जो है वो नूर खान के कोच थे। नूर खान कौन थे, इन्होंने लड़कियों की बास्केटबॉल टीम को ट्रेन किया था, जो एनबीए की जो गर्ल्स की टीम थी उनको ट्रेन किया था, उनके जो कोच थे दैट इज हिज नेम वॉज बच्चू खान, और उनका जो रियल नेम है दैट वॉज मुस्तफा खान, और क्योंकि वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे तो बच्चों ने उनका नाम बच्चू खान रखा था।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम द स्पोर्ट दैट इज बीइंग प्लेड बाय गर्ल्स इन द पिक्चर। ऊपर आपको एक पिक्चर दी गई है, तो इसमें कौन सा गेम ये लड़कियां खेल रही है, सो दैट इज बास्केटबॉल। उसके बाद बच्चों बारी आती है थर्ड कॉम्पिटेंसी की, और ओरल में डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स का जो वेटेज है थर्ड कॉम्पिटेंसी का, दैट इज 3 मार्क्स। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, विच स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव ऑयल फील्ड्स। आपको बताना है कि इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स है, कौन कौन से राज्य हैं जिसमें ऑयल फील्ड्स है। तो राजस्थान, असम, गुजरात, महाराष्ट्र, सो दीज स्टेट्स हैव ऑयल फील्ड्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच नेचुरल कैलेमिटी इज सॉन इन दिस पिक्चर। आपको एक पिक्चर दी गई है, तो इसमें कौन सी नेचुरल कैलेमिटी दिखाई गई है, सो दैट इज साइक्लोन। और साइक्लोन को हिंदी में क्या बोलते हैं, साइक्लोन को हिंदी में बोलते हैं चक्रवात। और वेस्ट इंडीज में इसको बोला जाता है हरिकेन्स, चाइना सी में इसको टाइफून के नाम से जाना जाता है, वहीं अमेरिका में टोर्नेडो बोलते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, What is the full form of CNG? CNG की full form बतानी है, तो CNG is compressed natural gas. तो बच्चों ये था class 5 EVS का periodic test 2 का sample question paper. उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, तो आप लोग दूसरे students के साथ भी इसको share करिएगा, ताकि maximum students को इसका profit मिल सके। यदि बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं। साथ ही आपका कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी है, तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, और साथ ही नीचे भी आपको हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। तो वेट करिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।